वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी के स्पाइसी पानी की रेसिपी। अगर आप मुंबई में रहते हो तो ऑफ कोर्स तीखा पानी, मुंबई में तीखा पानी कहते हैं। और ये रेसिपी बनाने के लिए आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। तो अगर आप पानी पूरी लवर हो तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का बटन है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी के चटपटे तीखे पानी बनाने के लिए आपको लेना है 1 मुट्ठी भर कोथमीर और 1 मुट्ठी भर पुदीना, 8 से 10 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का पीस। अब हम इन सबको एक बोल में उतार के पानी में भिगो के रखेंगे 5 मिनट। पानी में भिगोने के बाद इसे इस तरीके से वॉश करना है। इस तरीके से आप 2 बार वॉश कर लीजिए ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट टैप वाटर से वॉश करते हैं, जो जिसकी वजह से मिट्टी रह जाती है कोथमीर में। अब हम अदरक को बारीक काट लेंगे ताकि वो अच्छे से पिस जाए। अब इन सबको हम एक मिक्सी में उतार लेंगे और 1 चम्मच जीरा डाल के बारीक पीस लेंगे। अब हम एक बोल में 2 लीटर पानी ले लेंगे और पानी में हम ये जो पेस्ट बनाए हैं वो आधा डालेंगे। आधा इसलिए डालेंगे क्योंकि जो मिर्ची है वो हम शुरू में कम डालेंगे, बाद में हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा तीखा हो गया तो वो हम कम नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच इमली का पानी, काला नमक ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे जलजीरा पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। ये मैं ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच। इसका जो फ्लेवर है ये बिल्कुल जो हम स्ट्रीट पे पानी पूरी खाते हैं बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है, तो आप इसे स्किप मत कीजिए। अब जो भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर एक छोटे से स्पून में लेके हम टेस्ट करेंगे। नमक मिर्ची जो भी है हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो मैंने पेस्ट बचा के रखा था वो मैं पूरा इसमें ऐड कर लेती हूँ और अब मैं वापस टेस्ट करती हूँ ताकि अगर जो भी नमक वगैरह में चेंजेस करना होगा, बढ़ाना होगा, तो हम ऐड कर लेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है वो मैंने शुरू में इसकी क्वांटिटी कम ही डाली है ताकि इसे हम बढ़ा सकते हैं नमक मिर्च, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पानी पूरी का पानी तैयार है और आप अभी इसको सर्व कीजिए पूरी के साथ, रगड़ा के साथ और मीठी चटनी के साथ। एंजॉय कीजिए पानी पूरी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।